हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रोटेक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होंडा एक्टिवा 6G। बहुत दिनों से कमेंट देखने मिल रहे थे कि होंडा एक्टिवा 6G कब आएगा, क्या ये दिवाली में आने वाला है या 2019 में इसके आने के चांसेस हैं भी या नहीं है। और पहले कुछ वीडियोज भी अपलोड हुए, कुछ वेबसाइट्स ने दावा भी किया कि यहाँ पर होंडा एक्टिवा 6G को देखा गया है। जो पिक्चर्स लीक हुई थी उनमें क्लियर देखा था कि इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए थे, जैसे कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक एंड FI जैसी भी बातें आ रही थी। बट अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ उससे आपको क्लियर हो गया कि वो होंडा एक्टिवा 6G नहीं था, वो होंडा एक्टिवा 125 था, वो होंडा एक्टिवा 6G नहीं था। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि होंडा एक्टिवा 6G आएगा, बट मैंने उस समय भी आपको जो प्रीवियसली वीडियो अपलोड किया था आप देख सकते हो, मैंने उस प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर आपको बताया था कि वो होंडा एक्टिवा 6G नहीं बल्कि 125 भी हो सकता है, क्योंकि होंडा एक्टिवा 5G से होंडा एक्टिवा 6G में इतना बड़ा चेंजेस करना होंडा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि अगर इतने सारे फीचर्स को वो ऐड कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिया, डिस्क ब्रेक दे दिया, डीजल मीटर तो ऑलरेडी है, स्टैंडर्ड में नहीं है, डीलक्स में है, बट आपको एक बात क्लियर बता दूं कि होंडा एक्टिवा के लिए इतने सारे फीचर्स को एक साथ ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि होंडा भी जानता है कि इसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटेटिव है। हाँ मानता हूँ जुपिटर से थोड़ा सा महंगा है, एक्सेस से लगभग थोड़ा बहुत कंपटीशन करता है, बट अगर इसमें इतने सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं जैसे कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक, डिजिटल मीटर तो ऑलरेडी है, डीलक्स में है, स्टैंडर्ड में नहीं है, जैसा कि आपको पता है होंडा एक्टिवा ऑलरेडी मार्केट में नंबर 1 है, एंड अगर इतने सारे फीचर्स को ऐड करता है तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस 5 से 10 हज़ार रुपये तक बढ़ सकती है, जो कि इससे उतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो TVS का जुपिटर है वो इसे काफ़ी अच्छा कंपटीशन देता है और उसका प्राइसिंग इससे काफी कॉम्पिटेटिव है और इससे कम है, उससे फीचर्स कहीं ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं होंडा एक्टिवा 6G में इतने सारे फीचर्स में शायद आपको चेंजेस देखने ना मिले। दूसरी बात, लोगों ने सोचा था कि ये दिवाली में आ जाएगा, बट जब से मैंने इसका लिमिटेड एडिशन देखा है मुझे नहीं लगता कि अब ये होंडा एक्टिवा 6G आपको दिवाली में देखने मिलेगा, क्योंकि अगर होंडा एक्टिवा 6G आपको दिवाली में देखने मिलने वाला होता तो यहाँ पर एक जो लिमिटेड एडिशन अभी आपने होंडा एक्टिवा का देखा वो लॉन्च नहीं करता होंडा, क्योंकि डायरेक्टली उसे ही लॉन्च करता फेस्टिव सीजन में, उसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सेल मिल जाती, बट ऐसा कोई प्लान नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं होंडा ने यहाँ पर लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन आता है कि होंडा एक्टिवा 6G कब आएगा, तो मेरा आंसर है कि होंडा एक्टिवा 6G डेफिनेटली आएगा, बट 2019 में आने के चांसेस बहुत कम है, और आएगा भी तो 2019 के बिल्कुल लास्ट में आएगा, और आपको रोड्स में शायद वो 2020 में ही देखने मिलेगा। 2019 में चांसेस बहुत ही कम है, हो सकता है आपको 2020 में ये आपको लॉन्च देखने मिल जाए और शायद इसके फर्स्ट क्वार्टर में आपको देखने मिल जाएगा इसका लॉन्च, क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग और बहुत सारे रिव्यूअर्स ने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा, बट 2019 में बहुत मुश्किल है इसका लॉन्च। दूसरी बात, जो लोग प्लान कर रहे थे कि फेस्टिव सीजन में होंडा एक्टिवा 6G लेंगे तो शायद उनकी विश पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि होंडा एक्टिवा 6G के दिवाली में लॉन्च के चांसेस बहुत ही कम है, और अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है होंडा की साइड से जिसमें हम ये कह सकें कि होंडा एक्टिवा 6G आपको दिवाली में देखने मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि होंडा एक्टिवा 6G जो आएगा उसमें कौन से फीचर्स होंगे जो एडिशनल होंगे, क्या उसमें ऐड किया जाएगा, क्या उसमें नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है होंडा एक्टिवा 5G और होंडा एक्टिवा के सभी वेरिएंट में आपको उसका जो USP है वो है इसका मेटल बॉडी, तो यहाँ पर भी आपको होंडा एक्टिवा 6G में भी चांसेस है कि मेटल बॉडी होगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आता है कि डिस्क ब्रेक होगा या नहीं, तो आपको बता दूं कि अगर डिस्क ब्रेक होगा तो चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी देखने मिलेगा, क्योंकि जो अभी इसका स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन है इसके साथ यहाँ पर डिस्क ब्रेक को सेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। हाँ ये जो हो सकता है कि अब इससे अगर डिस्क ब्रेक ऐड करते हैं तो उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, या टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देते हैं तो भी इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, तो हो सकता है होंडा एक्टिवा इसके लिए एक कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें वेरियंट ला दे। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं होंडा एक्टिवा में अभी डीलक्स आता है, एक स्टैंडर्ड आता है, और अभी एक लिमिटेड एडिशन भी आ गया है, तो यहाँ पर 3 वेरियंट आते हैं, वैसे ही कुछ डिफरेंट तरीके से 3 या 4 वेरियंट इसके लॉन्च कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें FI भी होगा, यानी फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी देखने मिल सकती है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको जो FI वाला मॉडल आएगा उसका प्राइस काफी ज्यादा रहेगा, तो सिंगल मॉडल लॉन्च नहीं किया जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल मॉडल्स होंगे होंडा एक्टिवा में, ताकि अगर आपका बजट कम है तो आप स्टैंडर्ड ले सको, अगर आपको बजट ज्यादा है तो उसके अपग्रेड कर सको, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपको मॉडल्स कई देखने मिलेंगे, FI हो सकता है देखने मिल जाए क्योंकि फ्यूचर FI का ही है, और यहाँ पर आपको फ्यूचर में लगभग सभी बाइक्स में आपको FI का ऑप्शन देखने मिलने लगेगा, तो यहाँ पर हो सकता है होंडा एक्टिवा में आपको FI का ऑप्शन देखने मिल जाए। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने मिल जाए, बट अगर अलॉय व्हील्स देखने मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि होंडा एक्टिवा से बहुत न्यूज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अलॉय व्हील्स आ जाएं। इवन जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में आपको अलॉय व्हील का ही ऑप्शन देखने मिलता है, रिम व्हील तो है ही नहीं, मेटल व्हील आपको उसमें देखने ही नहीं मिलता, बट यहां पर वही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, तो हो सकता है होंडा एक्टिवा 6G में आपको ये कॉम्प्रोमाइज देखने ना मिले और 12 इंच के अलॉय व्हील देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी होंडा के अलॉय व्हील वाले मॉडल्स हैं लगभग सभी में आपको 12 इंच के अलॉय व्हील देखने मिलते हैं, तो हो सकता
पता है आपको होंडा एक्टिवा 6G में भी 12 इंच के अलॉय व्हील्स देखने मिल जाए तो ये काफी अच्छी बात होगी अगर इसमें आपको अलॉय व्हील देखने मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका प्राइस क्या रहेगा, तो मेरे हिसाब से 5 से 10 हज़ार रुपये ये महंगा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है महंगा करना पड़ेगा क्योंकि जब इतने सारे फीचर्स ऐड होंगे तो ऑब्वियसली बात है महंगा होगा। बट हाँ ये बात जरूर है कि इसके कई मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि 2 या 3 मॉडल तो एटलीस्ट होंगे ताकि जिन लोगों का बजट कम है तो वो लो बजट वाला मॉडल भी ले सकें। और कहीं ना कहीं जो इसे जुपिटर से कंपटीशन मिलता है प्राइस के मामले में और उसके जो अदर कॉम्पिटेटर्स हैं जो इसे प्राइस में काफ़ी अच्छा कंपटीशन देते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं इसे काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने मिल सकता है। इसलिए ये इसका एक स्टैंडर्ड मॉडल रखेंगे जिसमें हो सकता है आपको बहुत सारे फीचर्स ना दिए जाएँ बट इसका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटेटिव होगा। सो गाइस ये था मेरा स्टडी होंडा एक्टिवा 6G के बारे में। बहुत से लोगों के कॉमेंट थे, क्वेश्चन थे कि क्यों होंडा एक्टिवा 6G नहीं आया, तो आज मैंने आप सभी के क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। और अगर आपका कोई भी होंडा एक्टिवा या इवन किसी भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो सो हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बाय विच यू विल गेट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग वीडियोज़।